नमस्कार। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के रंग बिखरे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने परेड का रोमांच महसूस किया। इस परेड में भारतीय सेना की ताकत का नजारा कैसे देखने को मिला, आइए देखते हैं। और देवियों और सज्जनों, मंच की ओर बढ़ता हुआ कैप्टन दीपांशु शियोरन के नेतृत्व में 61 कैवलरी का दस्ता। छब्बीस जनवरी से पहले ये गणतंत्र दिवस परेड की झलकियां हैं। राजपथ पर बढ़ रही है 61 कैवलरी को विश्व में अपनी तरह की अकेली। राजपथ पर ये भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों की ताकत का प्रदर्शन है। ये हिंदुस्तान के उन जाबाज सैनिकों का साहस है जिससे भारत की सरहद महफूज है। दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियों का ये परेड हर हिंदुस्तानी के सीने में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर देता है। तो हिंदुस्तान के हथियारों की ये नुमाइश देशवासियों को सुरक्षित होने का एहसास कराती है। ये भारत के लिए आज बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है कि 10 स्टेट 10 कंट्रीज से हमारे यहाँ चीफ गेस्ट बनकर आ रखे हैं। तो ये शो करता है कि जो हमारी न्यू गवर्नमेंट बीजेपी आई थी और उनके जो प्राइम मिनिस्टर बने श्री नरेंद्र मोदी जी, वो बाहर जाते हैं, सबसे मिलनसार रहते हैं, इस वजह से आज ये हो पाया है। और मैंने आज यहाँ पर ITBP, BSF, NCC कैडेट्स, उन सब का परफॉर्मेंस देखा, उनकी परेड्स देखी, तो ये सब मेरे को और भी ज़्यादा सिक्योर्ड फील करवाता है कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, हमारी कंट्री भी आगे जाकर नंबर वन हो सकती है। गणतंत्र दिवस से पहले राजपथ पर यह नज़ारा गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का है, जिसमें हिंदुस्तान के हथियार से लेकर हिंदुस्तान की फौज की ताकत का दमखम पता चलता है। गणतंत्र दिवस से ठीक पहले 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भारतीय सेना की ताकत राजपथ पर देखने को मिली। भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां राजपथ पर जिस वक्त अपना प्रदर्शन दिखा रही थी, भारतीय सेना के पास कितने घातक हथियार हैं, उन तमाम हथियारों को आज हिंदुस्तान वासियों को भारतीय सेना ने दिखाया। और राजपथ पर भारत की सेना किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लगातार अपने सरहद की निगहबानी करती है और किस तरीके से भारतीय सीमा को महफूज रखने के लिए लगातार वो प्रयास करती है, इन तमाम प्रयासों को आज राजपथ पर दिखाया गया। 61 कैवलरी का दस्ता। देश के इन्हीं जाबाज जवानों के भरोसे सरहद की रखवाली सुनिश्चित होती है तो देश की जनता चैन की नींद सोती है। गणतंत्र दिवस परेड से पहले ये हिंदुस्तान की हुंकार है, जिसमें शामिल हैं देश की सेना के वो हथियार जिनकी बदौलत दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने में भी सोचता है। 3 एंटी टैंक, जिसे भीष्मा के नाम से भी जानते हैं, ये भारत का मुख्य युद्धक टैंक है और एक बहुत ही प्रभावशाली हथियार जिसे आप कह सकते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के हथियारों से ये लैस है और इसकी मारक क्षमता कुछ 4 से 5 किलोमीटर के विभिन्न प्रकार के हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा 125 mm की इसमें गन है, जिसका कि आपको पता ही होगा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार आप कह सकते हैं, एक युद्ध में निर्णायक हथियार कह सकते हैं टैंक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है और यह ज़्यादा अंदर तक दुश्मन को भेज सकता है। नाइट साइट डिवाइसेस हैं टैंक के अंदर और यह इसमें आर्मर प्रोटेक्शन भी होती है, जिससे कि सामने आने वाले हथियार, इन्फेंट्री के हथियार और नॉर्मल प्लेटून के हथियारों से काफ़ी सुरक्षा इसको मिलती है। स्वाति रडार, वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम और इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो खतरनाक फाइटर प्लेन सुखोई है, वो राजपथ के ऊपर से फ्लाई करता है, तो ऐसा महसूस होता है कि भारतीय सीमाएं पूरी तरीके से सेफ हैं। आदर्श वाक्य के साथ रिपब्लिक डे परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर हिंदुस्तान का ये दमखम हर हिंदुस्तानी के दिल में सुरक्षा का भाव जगाता है, एहसास दिलाता है कि हमारी सेना है तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं।
हाँ, काफ़ी पैट्रियोटिक फील होता है, देश के प्रति भावना जगती है कि भाई, और लगता है कि हम स्ट्रांग हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, करते भी हैं, हमारे पास मिसाइल्स हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, और हमारी वैल्यूज़ पता चलती है बाहर के कंट्रीज़ में। जैसे 10 देशों से और लोग आए, चीफ गेस्ट आए हमें देखने के लिए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे राजपथ पे देखा कि वुमेन भी बाइक पे स्टंट कर रही हैं, तो इससे पता चलता है कि वुमेन्स की वैल्यू बढ़ रही है आज के टाइम पे, तो ये अच्छी बात है। हालांकि इस बार गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी हमलों के मद्देनजर सुरक्षा चारों तरफ चौकस कर दी गई है। इंडिया गेट और आसपास के इलाके को सुरक्षा किले में तब्दील कर दिया गया है। वैसे भी इस बार गणतंत्र दिवस का मौका कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी राजपथ पर होने वाले परेड में शरीक होने वाले हैं। हालांकि मंगलवार सुबह को हुए फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से दिल्ली वासियों को जाम और ट्रैफिक समस्या का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि इस मौके पर कई रास्तों को बंद कर दिया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। राजपथ पर हुए फुल ड्रेस रिहर्सल पर बीएसएफ की महिला शक्ति का प्रदर्शन दिखा। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। राजपथ पर दिखे हिंदुस्तान की ताकत, गणतंत्र दिवस से पहले हिंदुस्तान की महिला शक्ति, फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर दिखा हिंदुस्तान की महिलाओं का दम। मोटरसाइकिल पर करतब दिखाती है वो महिलाएं जिनके जिम्मे है भारतीय सरहद की पहरेदारी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये वो जांबाज महिलाएं जो सरहद पर मौसम और वक्त से बेपरवाह हर वक्त डटी रहती हैं और करती हैं देश की रखवाली। मंगलवार को राजपथ पर हुए फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर बीएसएफ की ऐसी ही महिलाओं का दिखा दमखम। भारतीय सेना में शामिल इन महिलाओं का ऐसा जज्बा हर हिंदुस्तानी को फक्र महसूस कराता है। ये तस्वीरें इस बात पर मोहर लगाती हैं कि जब बात देशभक्ति की हो तो हिंदुस्तानी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। इस बार के गणतंत्र दिवस की एक और खास बात ये रही कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को ये सरकार बल दे रही है, और खासकर सेनाओं में और पैरामिलिट्री फोर्सेस में महिलाओं की जो भूमिका है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। गणतंत्र दिवस के दिन आपको बीएसएफ की जो महिलाएं हैं वो मोटरसाइकिल पर किस तरीके से हैरतअंगेज कारनामा करती हैं वो देखने को मिलेगा, और उसका रिहर्सल आज फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान किया गया। जो बीएसएफ की महिला टुकड़ी है वो राजपथ पर अपना कर्तव्य दिखाएगी, तो उस दौरान जो लोग यहाँ पर पवेलियन में बैठे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे कार्यक्रम को, वो दांतों तले अपनी उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भारत की ये महिलाएं, ये जो वीर महिलाएं हैं, वो इस बात को दिखाती हैं कि वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं और सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। मित्र राष्ट्रों का स्वागत कर रहा है। हालांकि 26 जनवरी के मौके पर इस बार आतंकी हमले का अलर्ट है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पूरा इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, तो जिन जिन इलाकों से परेड गुजरेगी उस इलाके की सुरक्षा सेना के हाथ सौंप दी गई है। 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी इस इलाके में पर ना मार सके। इस वक्त हम राजपथ पर मौजूद हैं और इस पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी और नेवी के विमानों के अलावा कोई भी दूसरा विमान इस जोन में फ्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा इस पूरे इलाके की जो सिक्योरिटी है इस वक्त आर्मी के पास है, और जहां पर परेड होनी है वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान पे भी निगाहें हर वक्त मुस्तैद हैं, तैनात हैं, और किसी भी खतरे को भांपते हुए हर वक्त
24/7 सर्वेलांस किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी टीमें यहां पर लगाई गई हैं और 26 जनवरी को लेकर जो अलर्ट है उस बात का यहां पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। जितने भी लोग यहां पर परेड को देखने के लिए आएंगे सबके पास पास होगा। इसके अलावा जो उनके वैलिड आईडी प्रूफ होते हैं उन लोगों को ही सिर्फ इस एरिए में आने की अनुमति दी जाएगी। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो बेहद खास है। 10 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं वो बेहद पुख्ता हैं। गणतंत्र दिवस से पहले चप्पे चप्पे पर चौकसी बरती जा रही है ताकि देश का राष्ट्रीय पर्व बिना किसी विघ्न के मनाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष खास मेहमान हैं। इस लिहाज से यह मौका यादगार होगा और इसे लेकर तैयारियां कैसी की गई हैं आइए देखते हैं। ऐतिहासिक होगा इस बार गणतंत्र दिवस। 10 देशों के लोग होंगे मेहमान। गणतंत्र दिवस पर दिखेगा भारत का दल। आसियान के 10 देश होंगे शामिल। साल का पहला बड़ा उत्सव जिसे पूरा देश धूमधाम से मनाता है उसकी तैयारियां अब जोर शोर से राजपथ पर शुरू हो चुकी हैं। साल के आगाज के साथ ही 69वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी देखी गई। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष विशेष अतिथि के तौर पर राजपथ पर होने वाले परेड का हिस्सा होंगे। आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को मेहमान के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे बेहतरीन नमूना इस बार गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगा। इस बार के गणतंत्र दिवस पर आसियान कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं 10 देशों के वो मुख्य अतिथि हैं और उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किया गया है इस बार के गणतंत्र दिवस पर ये हम आपको तस्वीरों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। ये जो मंच देख रहे हैं आप ये बड़ा मंच जो है आसियान कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए बनाया गया है। 10 अलग अलग कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष उस दिन मौजूद रहेंगे जिस वक्त पूरे हिंदुस्तान की ताकत जो है पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनको रिसीव करेंगे और यहां पर जो अंदर देख रहे हैं मिरर के अंदर वो कुर्सियां लगी होंगी जहां पर अलग अलग कंट्री के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो विराजमान होंगे और यहां पर 26 जनवरी को हिंदुस्तान की ताकत को देखेंगे। ये तीसरा ऐसा मौका होगा जब आसियान देशों के प्रमुख परेड की सलामी लेंगे। इससे पहले देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय भी इन देशों के प्रमुख भारत आ चुके हैं। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया और एनडीए सरकार का जोर था कि न केवल आसियान बल्कि पूरे एशिया प्रशांत को लेकर भारत की नीति होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरीके से कारगर साबित हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फॉरेन विजिट करते हैं उनमें दूसरे कंट्री के साथ किस तरीके से भारत के मधुर संबंधों उसका बेहतरीन नमूना 26 जनवरी को देखने को मिलेगा जब आसियान कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे और भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे खूबसूरत नमूना उस दिन दुनिया के सामने होगा। गणतंत्र दिवस पर आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाना एनडीए सरकार की इसी सोच का नतीजा है। न्यूज नेशन, दिल्ली। और ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी हिंदी वेबसाइट newsday.com पर। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।